गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ें। गुड इवनिंग प्रियंका, अमित, सीमा, आरती, चित्रंजन, सभी लोग जो है फटाफट आप लोग क्लास से जुड़िए और ग्रुप में भी मैसेजेस कर दीजिए कि सभी लोग जो है क्लास ज्वाइन करें। जो भी हमारा ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में आप जो है आप लोग मैसेज कर दीजिए। बाकी आप लोग कैसे हैं? आज का थोड़ा सा मॉक टेस्ट न लेके हम आप लोगों के बीच में जो है एक टॉपिक लेके आए हुए हैं कि अब हमारे पास, क्योंकि किसी जो प्रतियोगी परीक्षा है, जो बीपीएससी है, एस्टेट है और यूजीसी नेट है, इन सब में समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय में हमारा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम इस पर जो है कि बात करते हैं। गुड इवनिंग सीमा। क्योंकि ये अब हमारे पास जो है कि बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा, बहुत अगर हम स्टेट में देखें तो फर्स्ट पेपर के लिए हमारे पास समय कम है और बीपीएससी के लिए जो एक लगभग एक मंथ का समय है, एक मंथ से कम ही का समय मान के चलिए, और यूजीसी नेट के लिए 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर है, तो इतने कम समय में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए ये हमें देखना है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें अवगत कराएं, जिससे हम, हाँ एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आप लोग जो है कि अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा, ठीक है, प्रश्न जरूर रखिएगा, जिससे जो कि आपके जो भी प्रश्न हो उसे हम क्लियर करते चले, ठीक है। निष्ठा, अंजलि, चितरंजन, आरती, सीमा, अमित, प्रियंका, हमारी आवाज एक बार स्पष्ट करो कि हमारी आवाज जो है आप लोगों तक क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, क्लियर, स्पष्ट है पूरा? यदि क्लियर है तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे, आप अपने प्रश्न भी रखते रहिएगा, बोल के भी अपने प्रश्न रख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे पास देखिए जो एग्जाम है आपके, कुछ विद्यार्थी इसमें से जो है कि बीपीएससी के लिए होंगे, बीपीएससी, टीआरई 3.0, और कुछ विद्यार्थी जो है कि बिहार स्टेट, बिहार स्टेट, और कुछ लोग यूजीसी नेट और अदर भी विषय के, अदर भी एग्जाम के लोग यहां पे होंगे, ठीक है। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, उससे बचने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास समय बिहार स्टेट फर्स्ट पेपर में जो है कि आपका जो समय है लगभग इसमें आपको 28 को है, आज 20 हो गया, लगभग 7 दिन समय बचा हुआ है, केवल 7 दिन, 7 दिनों का समय इसमें है, लगभग एक माह जो है आपका बीपीएससी में समय बचा हुआ है, और यूजीसी नेट में 18 जून को है, लगभग इसमें 20 दिन आपका, लगभग 20 दिन बचा हुआ है यूजीसी नेट में, ठीक है, ये ड्यूरेशन है आपका। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बिहार स्टेट को लेके बात करेंगे। देखिए अब आपके पास केवल और केवल 7 दिन बिहार स्टेट का बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 से 3 दिन आप निकाल लीजिएगा जो कि आप ट्रेवलिंग में जाएंगे, जहां पर एग्जाम देने जा रहे हैं ट्रेवल करेंगे, तो आप समय निकाल चलिएगा। तो आपके पास सिलेबस है, अब पूरा डिटेल पढ़ने के लिए आपके पास जरूरत नहीं है कि आप पूरा डिटेल पढ़िए, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है
सबसे बड़ी सबसे चीज ये देखिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट किस विषय पर आप जो है कि कहां पर किस विषय पर आप कमजोर हैं, किस विषय पर आपकी जो पकड़ है, आपकी पकड़ जो है कम है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ऐसा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कम है। ठीक है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करने का प्रयास कीजिए, उस पर ज्यादा समय देने का प्रयास कीजिए। और ड्यूरेशन अब अगर 6 दिन में आपको पढ़ना है तो 6 दिन में आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी, पढ़ने का समय आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा। जो आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, वो लगभग आपका ड्यूरेशन जो है पढ़ने का जो समय होना चाहिए। अगर अगर आप एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका क्योंकि समय कम है इसमें, तो एस्टेट पढ़ने के लिए आपको लगभग आपको 8 से 10 घंटे आप समय दीजिए, 8 से 10 घंटे। ठीक है, 8 से 10 घंटे समय दीजिए, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लीजिए। अब आपको जो है कि पूरा रट्टा मारने की जरूरत है। जैसे राग का पोर्शन है, जैसे किसी का जो है राग का पोर्शन बहुत डाउन होगा, राग देखिए आप, और राग में आपको क्या देखना है ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप राग देख रहे हैं सारे एग्जाम में, अगर आप राग देख रहे हो तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वादी संवादी, ठीक है, वादी संवादी आप देख के जाइए। ठीक है, और थाट देखिए, वर्जित स्वर देखिए, वर्जित स्वर, और इसमें विकृत स्वर कौन कौन सा प्रयोग है, विकृत स्वर कौन कौन से लग रहे हैं विकृत स्वर। और ये भी आप देखिए, जाति राग की, राग कौन से जाति का है, और संप्रकृति राग, ठीक है, उस राग का संप्रकृति राग। तो ये यहां से प्रश्न आपको जो है बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहां से पूछा जाता है। मैथ और साइंस से दूर दूर तक नाता नहीं है सर, क्या बीपीएससी इसके बगैर निकल सकता है? निकल सकता है अमित, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर एक अगर आपका 80 क्वेश्चन का बीपीएससी में, अगर आपका जो है 80 प्रश्न का 80 क्वेश्चन है म्यूजिक का, तो कम से कम 80 प्रश्न संगीत का है, तो कम से कम 75 प्रश्न आपके राइट होने चाहिए। 75 प्रश्न यदि आप राइट कर लेते हो म्यूजिक में, तो जनरल पेपर में अगर आप 8, 9, 10 बीज ले जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि 75 प्लस आपके आने चाहिए, या 70 प्लस अगर आ जाते हैं तो भी आप रहोगे, ठीक है, युद्ध में रहोगे, तो 75 प्लस होने चाहिए। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की, क्योंकि देखो बीपीएससी जो है आपका ऑनलाइन है, और इस बार नेट भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, दोनों बीपीएससी और नेट दोनों ऑफलाइन है। तो सबसे पहले आपको गोला भरने और एग्जैक्ट राइट गोला, कभी कभी हम गोला भरते समय हम क्या करते हैं कि इसका गोला दूसरे का गोला दूसरे में भरा जाता है, तो ये गलती ना हो, इस गलती से आप 2 से 3 प्रश्न आप गलत कर बैठते हो। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ओएमआर सीट भरते वक्त आपका जो है क्लियरेंस होना चाहिए पूरा, कि आप कौन सा प्रश्न, और प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगर आप ध्यान पूर्वक प्रश्न नहीं पढ़ते फिर भी वहां गलत करेंगे। और गोला भरते समय ध्यान रखिएगा, तो बेटा अंजलि वही तो है, अगर 9 आपने गलत किए थे तो आप उसके भुक्त भोगी है ना बाहर। हम बेटा केवल 1 प्रश्न गलत किए थे, बीपीएससी ने केवल 1 प्रश्न गलत किए थे जिसके वजह से मैं बाहर था। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए ओएमआर सीट भरते समय। और ये भी देखिएगा कि अगर एक गलत भरा गया तो उस पर जो है कि दूसरे वाले को आप उसको मिटाइएगा, नहीं तो इनवैलिड मान लिया जाएगा, वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो राग पढ़ते समय आपका वादी संवादी थाट, ठीक है, वर्जित स्वर, विकृत स्वर, जाति, संप्रकृति राग, ये विशेष ध्यान रखिएगा। प्लस इसके बाद आपका जो टॉपिक जहां से आपको और प्रश्न पूछता है, राग वर्गीकरण,
राग वर्गीकरण है। राग वर्गीकरण आप देख, आप एकदम क्लियर रहिए राग वर्गीकरण में, ठीक है। राग वर्गीकरण में आप दसविध राग वर्गीकरण, जाति गायन, ठीक है, ये सब चीजें आप देख के जाइएगा। उसके बाद आपका ताल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है। अब जैसे राग, राग वर्गीकरण, ताल, ग्रंथ, ग्रंथ, यहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ये इतना क्लियर कट होना चाहिए, इतना आप क्रिस्टल हो जाइए इस पे कि आपको यहां से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां से किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राग वर्गीकरण से आप ऐसे राग वर्गीकरण को पढ़ के जाइए कि यहां से ज्यादा आप प्रश्नों को पुटअप कीजिए। और एक चीज और, समय सिद्धांत, समय सिद्धांत जरूर पढ़िएगा। गायन जो समय सिद्धांत है उसे जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से 100% प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एस्टेट हो, नेट में भी आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे, ताल का पोर्शन आपका, ताली खाली, ताल में आप देखिए क्या क्या आपको देखना चाहिए। ताल में देखिए मात्रा, मात्रा देखिए, ताली देखिए, ताली खाली, विभाग, जाति, ठीक है, इत्यादि इत्यादि चीजों को आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब सारी चीजों को आप देख के जाइए, ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। जैसे आपका जो चीज एकदम पूरा क्लियर है, बस उसको केवल आपको ये करना है, आपको क्या करना है कि जो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, जो आपका एकदम क्लियर है, ऐसा नहीं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको टच में बना के रखना है, उसको दिन में एक बार जरूर पढ़िए। जो नहीं तैयार है, जिस पर आपको समय ज्यादा देना है, उसको आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, जैसे राग का है। हाँ, फिर उसके बाद आपका घराना आ जाता है, घराने से क्वेश्चन आपको पूछता है, घराना, जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है, यहां से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। तो जीवन परिचय भी आपको जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका जीवन परिचय में आपको क्या क्या देखना है ये भी आप देख लीजिएगा। जीवन परिचय में जन्म, जन्म स्थान, अगर पिता है तो पिता, पिता का नाम, और गुरु का नाम, घराना, घराना हो गया, और प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य इनके, पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, और लिखित पुस्तक, उस कलाकार द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। ये इतनी ही चीजें आपको जीवन परिचय से देखना है, ठीक है। ग्रंथ से आपको क्या देखना है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ग्रंथ में आपको पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ, ग्रंथ में आप क्या क्या अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम पढ़ाते समय बहुत सारी चीजों को ग्रंथों में हम बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल उतनी सारी चीजें पूछी नहीं जाती हैं ग्रंथों में। जैसे आपको बहुत मोटी मोटा जो देखना है वो देखना है आपका ग्रंथ का नाम। सबसे पहले ग्रंथ का नाम, फिर आपका ग्रंथकार, कौन ग्रंथकार है, फिर जो है अध्याय, कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों के नाम क्या क्या हैं ये भी आपको देखना है, प्लस ग्रंथ के मुख्य बिंदु, ग्रंथ के मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, इतने ही चीज। अगर जो है ग्रंथ के जो है क्या कहते हैं, ठीक है, टीका,
अगर टीका लिखी गई है तो ग्रंथ का टीका किसने लिखा है, उस टीका का नाम क्या है, इतना चीज आपको ग्रंथ से देखना है। ठीक है, इतना आपको देखना है। इसके बाद आपका आ जाता है पाश्चात्य संगीत। पाश्चात्य संगीत भी आपको देख के जाना है, जो इंपॉर्टेंट है पाश्चात्य। पाश्चात्य संगीत में आप देखेंगे स्केल, स्वरांतर, पाश्चात्य ताल, ठीक है, उनकी मात्राएं, पाश्चात्य मात्राएं जो हैं, और पाश्चात्य गायन पद्धति, पाश्चात्य गायन पद्धति। इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा यहां से, ठीक है। मुख्य बिंदु का मतलब यह है कि जैसे संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में कितने गमक कहे गए हैं, कितने वाद्यों का वर्गीकरण किस अध्याय में किया गया है, कितने रागों का वर्ग, कितने राग कहे गए हैं, यही आपका मेन मेन पॉइंट्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में स्केल, स्वरांतर, ताल की मात्रा, पाश्चात्य गायन पद्धति, कितने पद्धतियां हैं, पाश्चात्य पद्धति कितनी है, उसमें से पाश्चात्य पद्धति में जो आपका मेजर लेजर लाइन होता है, जो आपका स्केल हो गया आपका, और ट्रबल क्लेफ, बास क्लेफ, क्लेफ हो गया आपका, और स्वर हो गए, स्वर जरूर देखिएगा, स्वर यहां से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्केल आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि स्केल आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए, और इसके बाद आपका बेसिक चीजें आ जाती हैं। हाँ, इसमें लय भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि लय भी पूछ लेता है, जो द्रुत, मध्य, विलंबित, अति विलंबित को पाश्चात्य में क्या कहते हैं, इन सब के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा पाश्चात्य के बारे में। अब देखिए बाकी शेष जो आपका रह गया, आपका जो श्रुति, ग्राम, मूर्छना, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्वर आपको पढ़ना है, विकृत स्वर, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इसमें से आपको क्या देखना है कि आपके पास ड्यूरेशन बहुत कम है। एक तो पढ़ने का समय बढ़ा दीजिए, यदि आप लोग जो है इस समय, अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं, स्टडी आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं। श्रुतियों, श्रुति सीक्वेंस याद करने का कोई ट्रिक हमने बताया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दो घंटा अंजलि, दो घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम, अगर कम से कम आपका अध्ययन जो होना चाहिए अब 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटे का अध्ययन आपका होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुश्किल है तो इसको जो है कि आप बढ़ाइए 8 से 10 घंटे। अब 8 से 10 घंटे केवल म्यूजिक नहीं पढ़ना, ये नहीं कि 8 से 10 घंटे आप लगातार पढ़िए, ठीक है, ये लगातार नहीं पढ़ना है आपको, आप लगातार मत पढ़िए। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी सफिशियंट है, या आप ये भी कर सकते हो, अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो आप 6 to 8, 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि इसको जो है 5 घंटा बढ़ा दो, 8 घंटे कर लो, 6 से 8 कर लो बेटा, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं। अब इसको आप दो, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2-2 घंटे काट विभक्त कर लो, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा, ठीक है। अब आपके पास जो है कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको ऐसा करना है कि सारे घंटों में आपको म्यूजिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे आप ऐसे रखिए जिसमें आप केवल और केवल रिवीजन कीजिए, जितनी भी चीजें पढ़े हैं 2 घंटे में आप क्या करिए, पुनरावृत्ति या रिवीजन कीजिए,
ठीक है। और 2 घंटे आप रखिए, कोई भी 2 घंटा रखिए आप, क्या करने के लिए, जिस चीज पर आपकी कम पकड़ है, जिस पर कम पकड़ है, कम पकड़ वाले विषय पर, कम पकड़ विषय वाले को जो है कि रखिए। अब इसको जो है कि आप या तो 2 घंटे कर सकते हैं या तो 2 से 2.5 घंटे कर सकते हैं, 2.5 घंटे कर लीजिए। बेटा अंजलि जो है कि बीपीएससी तक ना रात की प्रैक्टिस करना बंद कर दो। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना तो इस समय एग्जाम तक प्रैक्टिकल करना बंद कर दो आप। बल्कि प्रैक्टिकल अगर जो कर रहे हैं नहीं बंद करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल आधे घंटे कीजिए, बस आधे घंटे। अब इसके बाद अब इसको आप बढ़ा सकते हो, 2 से 2.5 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करिए कि जो ये आपका बचता है लगभग, अगर ये 2.5 घंटा आप करते हैं तो लगभग 2.5 घंटे, अगर आप 2.5 घंटे इधर करते हैं तो 2.5 घंटे इधर कर दीजिए आप जनरल पेपर को, सामान्य पेपर को, सामान्य पेपर पढ़ने के लिए 2.5 से 3 घंटे आप कर सकते हो। अगर कम जो आपका कम तैयार टॉपिक है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप 2.5 घंटे कर लीजिए, 2.5 से 3 घंटे कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका 2.5 2.5 3 हो गया, 2.5 2.5 5 बचा, बचा आपका 1 घंटे। आप जो है 1 घंटे आप मिक्स पढ़िए, कुछ भी उठा के पढ़िए आप, ठीक है। बंदिश याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बंदिश याद करने की जरूरत नहीं है, पकड़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 घंटे रिवीजन, 2.5 से 3 घंटे आप जिस विषय पर आपका कम पकड़ है, और 1 घंटे या आधा घंटे जो है जिस पर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक हमें और टच कर लेना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपको इन टॉपिक को और टच कर लेना चाहिए, जहां से हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिए जाए, ठीक है। उन टॉपिकों को टच कर लीजिए इस 1 घंटे में, इस 1 या आधे घंटे में उस टॉपिक को टच कीजिए जिस टॉपिक से आपको लगता है कि इस टॉपिक से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसे भी हमें टच करना चाहिए। या 1 घंटा आप रखिए, इस घंटे को रखिए आप क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये भी रख सकते हैं 1 घंटा। अब प्रैक्टिस इसमें आप जो है प्रैक्टिस आप 4 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन आप जो कि ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको लगे कि यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते, क्योंकि आपको 1 घंटे प्रैक्टिस की भी जरूरत है, ठीक है। 2.5 घंटा आपका हुआ, देखो जीके और जीएस में विद इन 6 मंथ की चीजें पढ़िए। अगर आप सामान्य पेपर पढ़ रहे हो तो इसमें आपका देखिए मैथ भी देखिए, डेट डे आप बांट लो कि हमको जीके जीएस रोज आधा घंटा देखना है, आधा घंटा या 15 मिनट आप देखिए, 15 से 20 मिनट जीके जीएस देखिए। नहीं उसको आप अगर लिखेंगे, देखिए लिखने का काम आप करेंगे तो आपका समय मामला फंस जाएगा, ठीक है। अब लिखने का समय नहीं है आपके पास, आप मत लिखिए। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, आपका जो भी वीडियो हो उसको सुनिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अब देखिए आपको कैसे समय, आप अगर मैथ नहीं समझ में आता तो मैथ छोड़ दीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़िए। इन सब पर फोकस कीजिए कि ऐसा रहे कि आपका लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप कर सको आसानी के साथ, ठीक है। तो मैथ छोड़ दो, मैथ जो नहीं आता, देखो जनरल पेपर पर ज्यादा फोकस करने के चक्कर में आप मत रहिएगा। 2.5 घंटे अगर आप इसमें और भी कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन 2.5 घंटे आप एक्चुअल पढ़िए करें, जनरल पेपर हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं, तो आप जो कि अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप का सहारा लो, ज्योग्राफी थोड़ा सा मैप का सहारा ले लो, मैप के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा जिले में कौन सा होता है, कहां पे क्या जो है कि लॉ कहां सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके डिस्ट्रिक्ट देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अब कौन सा प्रदेश जो है, बिहार का कौन सा राज्य जो है कि जो उत्तर प्रदेश के जिले से या इंटरनेशनल
सीमा से जुड़ा हुआ। तो इस तरीके की चीजें आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा, कम समय में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये ड्यूरेशन आपका हर एग्जाम के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन आप बढ़ाइए, आप अपने पढ़ने का टेक्निक बदलिए। सर पिछली बार सर गांधी जी से क्वेश्चन आया था, तो गांधी जी को भी देख लीजिए, एनसीईआरटी से ही लाइन बाई लाइन क्वेश्चन। हाँ देखो एनसीईआरटी से फंसता है क्वेश्चन, जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादातर रहता है, एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी। लेकिन बिहार बिहार का ज्यादा आप लोग पढ़िएगा बीपीएससी अगर देख रहे हो, ठीक है। और करंट अफेयर्स देखिए, क्योंकि इस समय चुनाव हो रहा है, अवार्ड मिला हुआ, भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो ये सब चीजें आपको देख के जाना है। कुछ और नए जो योजनाएं जो लागू हुई है इसको भी आप देख के जाइए, आप लोगों को इसका भी अध्ययन करना है। योजनाएं जो है, जो भारत रत्न किसको किसको मिला है, जैसे कर्पूरी ठाकुर को बिहार में, बिहार के ठीक है, समझ में आया कि नहीं, और कोई प्रश्न आप लोगों को हो तो बोलिए आप लोग। तो इस तरीके से जो है कि आपका ड्यूरेशन जो है कि आप बढ़ा दीजिए पढ़ने का, कि जो आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका ड्यूरेशन कम से कम 6 से 8 घंटा होना चाहिए। अगर 8 से 10 घंटा कर सकते हो तो और बेहतर है, नहीं तो 6 से 8 घंटे का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रश्न आपका, आप लोगों का कोई प्रश्न? अब आप लोग प्रश्न बोलिए। देखिए बीपीएससी के लिए भी आपका वही चीजें होनी चाहिए जो से है, कोई अंतर नहीं है। तो ड्यूरेशन आप बढ़ा के रखिए, अब बढ़ाइए, अब स्मार्ट स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है आप मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट भी दीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। और अभी डिटेल विदिन जब आपका 20 से 25 दिन आपका 15 से 20 दिन जब आपका बचे, मतलब जून सेशन जून जब शुरू हो गए, तो आप क्या करिए कि समय को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। आपका ड्यूरेशन बीपीएससी के लिए बढ़ जाना चाहिए कि कम से कम आप 6 से 8 घंटे पढ़िए। अभी 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो 6 से 8 के बीच में पढ़ने का, 8 से 10 घंटे के बीच पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी जितना पढ़ रहे हैं आप, अभी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं जून तक, 5 जून तक आप जो है कि 30 मई तक जो है, 30 मई तक आप पूरा डिटेल में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो है कि, और प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूं, तो प्रैक्टिस भी आप करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिए। जैसे मॉक टेस्ट है या पुराना प्रीवियस ईयर पेपर है, हाँ ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस मत कीजिएगा जिनका एग्जाम से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। शब्दों को समझिए, जो आपका शब्द आता है उसको, शब्दों को समझिए कि शब्द आखिर कहना क्या चाहता है।
बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो एग्जाम से रिलेट नहीं करते, उस तरीके के प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है, अभी आप सही पढ़ रहे हो, अभी आप आरती 4 घंटे पढ़ रही, बहुत सही पढ़ रही हो, अभी 4 घंटे ही पढ़िए आप, ठीक है, आप 4 घंटे ही अभी पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों, आप सभी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको भी मैं करा दूंगा, टेंशन में उसको मैं पीडीएफ में ही मैं करा दूंगा उसको, कौन सा सही कौन सा गलत ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसमें हिंदी इंग्लिश पासिंग है, ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश जो है पास है, तो हिंदी इंग्लिश भी देख के जाइएगा, क्योंकि 20% जो है, 20% जो है आपका 30 में से आपका 8 क्वेश्चन सही करना है, तो दोनों मिला के आपका 30 क्वेश्चन से होना चाहिए। तो ज्यादातर आप हिंदी पर फोकस कीजिए, इंग्लिश भी आपका सिंपल आता है, पिछले की तरह ही आएगा, ठीक है, तो उसे भी आप देख के जाइएगा। यूजीसी नेट में देखो, यूजीसी नेट का क्या है, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अब उसके जो यूजीसी नेट में जो पीक चीजें हैं, जैसे आपका राग वर्गीकरण हो गया, राग वर्गीकरण जो गायन के विद्यार्थी हैं, तो ज्यादातर राग वर्गीकरण और जो है कि पाश्चात्य, ये पूरा सेक्शन उनको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राग वर्ग जो, क्योंकि 2 खंड में आता है आपका, एक 25 नंबर का है जो कॉमन रहता है, जो चारों से रहता है आपका पाश्चात्य, जो आपका जो कि कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, तबला और वोकल चारों से रहेगा, ठीक है, उसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी भी रहता है यूजीसी नेट में, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए। कि जैसे मान लो कि आपका जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज कि ये भी आपका जो एक सेक्वेंस करने वाला आता है, सेक्वेंस भी करिए, और यूजीसी नेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे भी आप सॉल्व कीजिए, उसे भी आप देखिए, तो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कहां से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। तालों से प्रश्न आते हैं, राग और उनके रस भी आते हैं, रसों के नाम भी आते हैं, ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अवार्ड, इस बार अवार्ड पूछेगा, अवार्ड जरूर पढ़ के जाइएगा, 2024-23-21-19 से लेके 24 तक का अवार्ड जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी लोग जो यूजीसी नेट देने जा रहे हैं। हाँ, अवार्ड आप लोग भी पढ़ के जाइए जो बीपीएससी देने जा रहे हैं, अवार्ड वहां भी पूछ सकता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड देखिए कि इस बार ग्रैमी अवार्ड किसको किसको मिला है, तो वो चीजें आप देख के जाइए जिससे आपको आसानी हो सके, ठीक है। तो रोज डेली आपको 2 काम आपको करना है डेली, एक रिवीजन, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है रोज कम से कम 2 घंटे उसका आप रिवीजन करिए, सरसरी निगाह से पूरी चीजों को रोज आप पढ़िए उसको, जिससे आपको ये रहे कि वो चीजें आपके टच में रहे, ठीक है, टच में रहे, और आप जो है फिर उसको रनअप में ले लें। ट्रायल एग्जाम में लूंगा, एग्जाम से 3 से 4 एग्जाम आपका ट्रायल में लूंगा, एग्जाम से पहले उतने ही क्वेश्चन रखूंगा सब्जेक्ट का जो बीपीएससी का है, ठीक है, और ट्रायल एग्जाम के मैं बीपीएससी का लूंगा, ठीक है, तो बीपीएससी का ट्रायल एग्जाम में रखूंगा 3 रखूंगा, 80-80 प्रश्न का रखूंगा, और उसे आप लोग दीजिएगा, और एप्लीकेशन पर ही होगा वो, आपके इसी ग्रुप में, इसी में मैं रखूंगा, और जिससे आपको ये पता चल सके कि उस तरीके अगर प्रश्न आते हैं तो आप कितना सही कर पाते हो, ठीक है। प्रयास तो करेंगे कि सबका, लेकिन जिसका भी हो पाएगा ट्रायल मैं उसका जरूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, अगर 3 नहीं तो कम से कम 1 ट्रायल तो जरूर मैं रखूं, एक मैं उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर जरूर रखेंगे। देखो जीके जीएस में आप जितना भी पढ़िए कम है, जो भी चीजें विद इन 6 मंथ का है, जनवरी से लेके अब तक का है, उसको जरूर देखिए, ठीक है, अगर हो सके तो 1 साल का देखिए। एप्लीकेशन में विनोद है, बीपीएससी का जो पीडीएफ है, बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो वहां पे एप्लीकेशन पर हमारे हैं, उसे आप देख लीजिए।
ठीक है, वहां से आप ले सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे सारे पेपर आपको पढ़े मिल जाएंगे, बीपीएससी एस्टेट सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी फोकस कीजिए, ठीक है, प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक चीजों का अध्ययन आप करिए, अधिक से अधिक चीजों का। समझ में आया कि नहीं? किसी का कोई प्रश्न हो तो अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, कोई प्रश्न किसी का? रंजीत, निष्ठा, अमित, सीमा, पूजा, सुनील, प्रिंस, निष्ठा, प्रियंका, चितरंजन, विनोद, अंजलि, नेहा, आरती, कोई डाउट किसी को, कोई प्रश्न? तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और जो टॉपिक आपका सबसे कमजोर है उस पर ज्यादा समय दीजिए। और ऐसा नहीं कि ज्यादा समय इतना भी मत दे दीजिए कि उसी पर फंसे रहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं देना है आपको। अगर आपको तीन चार टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे हैं तो उसमें भी आप समय डिवाइड कर लीजिए या डेट डिवाइड कर लीजिए कि 2 दिन हमको इस टॉपिक को देखेंगे, 2 दिन ये देखेंगे, 2 दिन ये देखेंगे। ठीक है, जो तबले वाले हैं वो सब राग को जरूर देखिए, राग विशेष तौर पे देखिएगा। देखिए अमित, प्रश्न का जो स्तर रहेगा ये मान के चलिए कि जो पिछले बार का लेवल था उस लेवल पर भी रहेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। देखिए चित्रंजन, जो एप्लीकेशन पर पढ़ाया गया है अगर आप उसको भी बार बार देखते हैं और तो ये तो कह सकते हैं कि क्लियर तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये कहना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से सही से वही पढ़ के जाइए तो भी क्लियर हो जाएगा। जीके का कुछ टॉपिक, ठीक है, मैं देखता हूं, जीके का कुछ टॉपिक मैं भेज देता हूं। ठीक है, जो चीजें, और ये चीजें ध्यान रखिएगा, जो मैं मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं वहां से भी आपका पूछा जा सकता है, वहां उस तरीके के प्रश्न भी रखे जा सकते हैं, आ सकते हैं। सिलेबस सर वही है 2023 वाला है। देखो विनोद, जो बीपीएससी का सिलेबस कोई नहीं है, बीपीएससी में जो बिहार एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है, जो बिहार का 9th, 10th, 11th, 12th का जो सिलेबस है वही अगर आप पूरा पढ़ के जाइए तो 100% कोई नहीं रोकने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ उतना भी पढ़ के जाएं अगर तो आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं उससे भी आराम से निकल जाएगा। और एक चीज और देखिएगा, जो हमारा क्लास 11th का एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाया हूं यूट्यूब पर, वाईटी पर, उसको आप लोग पूरा पूरा वीडियो फिर से देख डालिए, फिर से देख डालिए। अगर आपको कहीं उससे भी आपको प्रश्न पक्का फंसेगा और 100% आएगा। देखिए नहीं, ज्यादा नहीं होगा। एस्टेट का सिलेबस अभी 2024 का नया सिलेबस आया है वो है, लिखकर भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखकर याद कर लो वो भी बहुत अच्छी बात है कि उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, उससे भी लाभ होगा। जो हमारे, हाँ, जो यहां पर वाईटी पर जो मैं एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट करा रहा हूं पेड, वो तो आप लोग दीजिए ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा वाईटी पर यूट्यूब पर मॉक टेस्ट है उसको भी आप लोग दीजिए, उसको भी आप लोग एक बार दीजिए। ठीक है, उसको भी देखिए, जो एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हूं उसको भी देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर जो नहीं भी पढ़ा है, जो बच्चा नहीं क्लास लिया, किसी का नहीं लिया है, केवल हमारा ये मॉक टेस्ट लिए हैं और हमारा यूट्यूब देखिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो भी आपको हद तक, मैं मान सकता हूं कि बहुत हद तक आप नजदीक पहुंच जाओगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ लीजिए तो वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी या एस्टेट आयोग सिर्फ एनसीईआरटी के ही आंसर मांगता है, एनसीईआरटी आपको वो आंसर मांगेगा कि एनसीईआरटी के आधार पर ही आपको जवाब देना है उसके, ये कि नहीं कि आपका जवाब उसका अलग हो इसका अलग हो। गायन काल अगर आप लोग राग परिचय से लिखेंगे आंसर तो गलत हो जाएगा।
देखिए गायन समय आप दोनों के हिसाब से कंपेरिजन कर लीजिए, जो आपका राग, जो आपका एनसीईआरटी के जो राग है उसको देख लीजिए और जो राग परिचय में है, दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए। अगर हुबहू है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अलग दिख रहा है तो और तीसरे ग्रंथ में देख लीजिए। उसका श्लोक जरूर देखिएगा गायन समय के लिए, क्योंकि श्लोक आपको फंसाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक है, उसमें मिसप्रिंटेड है, श्लोक में कुछ और मिला रहता है, लेकिन हम जब डिटेल हिंदी वाला पढ़ रहे तो उसमें कुछ और लिखा मिल जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो ऊपर का पंक्ति दो लाइन दिया गया है उसको जरूर आप पढ़िएगा, बगैर उसको पढ़े आप मत छोड़िएगा। सर इस समय म्यूजिक का चैनल बहुत सारा है, जो दिमाग भटक जाता है कि किनका यूट्यूब चैनल। सर देखो चितरंजन, यूट्यूब चैनल बहुत, अब तो बहुत आ गए हैं, इतने आ गए हैं कि क्या मैं बताऊं, बहुत आ गए हैं, लेकिन किस तरीके के प्रश्न होने चाहिए ये तो हम नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अब जिनका आप ब्लॉक टेस्ट आपको बेहतर लगता है उनका आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं बढ़िया लगता है तो आप मत देखिए। जिसका भी आपको लगता है कि नहीं कि ये यूट्यूबर जो है कि आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं तो बिल्कुल देखिए उनका। अब टाइम लेवल कैसा दिख रहा है ये भी आपको देखना है कि ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जा रहे हैं जो आपको नहीं जो आपसे ठीक है, उसको आप लोग पूरा देख के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हम जरूर आप लोगों से कहेंगे कि जो बेहतर आप लोगों को लगे वो कीजिए। अगर आपको ये भी नहीं लगता तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आप ले लीजिए, उसको पूरा प्रैक्टिस मार डालिए, जो मैं करा रहा हूं मॉक टेस्ट आपको पेड वाला वो, और जो हमारा YouTube पर मॉक टेस्ट पड़ा है वो आप देखिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ के जाइए। इतना आप करके जाइए मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता है, ईमानदारी से इतना आप करके जाइए। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है आपको बीपीएससी और एस्टेट दोनों के लिए। प्रैक्टिस सेट इसमें जो है कि इसमें तो आपको हम मॉक टेस्ट करा ही रहे हैं, वो हमारा प्रैक्टिस सेट अलग है, वो 10 सेट ऑलरेडी बना हुआ है, वो अलग प्रैक्टिस सेट हमारा एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है, बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है 10 प्रैक्टिस सेट, वो अलग है। ठीक है, एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन से ही आप वहां से परचेज कर, बुक सेक्शन में जाइए, टीआरई सेकेंड का वो हमारा प्रैक्टिस सेट है वही आप ले लीजिए। अभी उसमें कुछ नया हमने नहीं किया, नया करने का केवल हम क्लेवर उसका आपको 10 प्रैक्टिस सेट उसे आप डाउनलोड करके मारिए, प्रैक्टिस मारिए उसको। ठीक है, हाँ हो सकता है कि कुछ प्रश्न के उसको रखा गया है, क्लियर, और कुछ तो समय बढ़ाइए, स्ट्रेटजी बदलिए आप अपने, और थोड़ा सा सोच बदलिए कि आप जो सोच रहे हो, जो आपका टॉपिक है टॉपिक पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, और जिस पर आप कमजोर दिख रहे हो उस पर ज्यादा समय दीजिए आप। ठीक है, ज्यादा समय दीजिए जिससे वो टॉपिक और आपका बेहतर हो सके और अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सको। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी आप देखिएगा कि उसमें अगर यदि आपको लगता है कि ये चीज गलत यहां पे दिया गया है तो उसको हूबहू मत पढ़िएगा, हूबहू मत पढ़िएगा, या तो अपने अध्यापक जिससे भी आप पढ़ते हैं अध्यापक से आप क्लियर कर लीजिए, या आपके सीनियर हो जानकार हो उनसे आप क्लियर करिए, या कोई नहीं है तो आप जो है हमसे पूछ लीजिएगा,
आप भले आप हमसे पढ़ रहे हो या कुछ इसमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जुड़े हो हमसे नहीं पढ़ते हो, भले आप मुझसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, ये आप थोड़ा से क्लियर कर लीजिए, किताब में ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज चित्रंजन, यूज आगे कुछ नहीं पूछेगा एनसीईआरटी वन लाइनर बुक से ज्यादा। देखो जो हमारा एनसीईआरटी अभी, क्योंकि वो पार्ट वन है, पार्ट टू अभी आएगा, वो आगे आएगा जुलाई जुलाई सेशन में मैं लॉन्च करूंगा उसको, तो जो वन लाइनर है ना उसको आप रट्टा मार डालो, पूरा रट्टा मार डालो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने संशोधन किया हुआ, बहुत सारी चीजें उसमें जो है कि मैंने सही किया हुआ हूं जो एनसीईआरटी में मिसप्रिंटेड है। हाँ कहीं कहीं पर मिसप्रिंटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसको आप पूरा रट्टा मार लो यार, पूरा रट्टा मार के चले जाओ, आपका 50% कहीं नहीं गया है। कोई भी एग्जाम में आप जाओगे, चाहे पीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कोई भी हो, उसमें से आपका कम से कम 50% तो जाएगा ही नहीं कहीं पे। बाकी मैं बता रहा हूं ना, एनसीईआरटी जो हमने 6-7 पुस्तक जो है कि अपने एप्लीकेशन पर रखा है, प्रैक्टिस सेट, पेड मॉक टेस्ट, यूट्यूब मॉक टेस्ट, और जो मैं पढ़ा रहा हूं, इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। ईमानदारी से इतना पढ़ के इतना करके जाइए, सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन ईमानदारी से। अगर आप ये कहें, ईमानदारी भी अपना दिखाएं और कहें कि सर हमने इतना किया और हुआ नहीं, तो फिर आप झूठ बोलेंगे आप फिर मुझसे। ईमानदारी का मतलब 6-8 घंटे आप पढ़ के जाइए, ठीक है, और सिलेक्शन होगा, और इस बार सिलेक्शन आप लोगों को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, 100% आप लोग सिलेक्टेड होंगे इस बार, जो TRE2 वाले हैं 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको, ये जान लीजिएगा। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको अपना जो है कि जो कंसंट्रेशन है उस पर ध्यान रखते हुए 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हो जाएगा। मैंने देखिए किसी भी तरीके से आप मैनेज, देखो टाइम मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किताब ही लेके पढ़ो, आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास मॉक टेस्ट है, आप ईयरफोन लगाइए, काम करते रहिए, आप उसको सुनते रहिए, तो सुनने पर भी आपके दिमाग में वो चीज फीड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं फीड होता है, आप सुनिए भी उसको, ठीक है। अगर आप स्टडी नहीं कर पा रही हैं, आप अगर स्टडी बैठ के जो है 2-2 घंटे 4 घंटे आप किताब पढ़ रहे हैं, बाकी आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप हेडफोन लगाइए, ऑन कीजिए वीडियो और केवल उसको सुनिए, ठीक है, तो भी आपका रिवीजन होता चला जाएगा वो चीजें सारी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है स्टडी का। आप चल रहे हो, ईयरफोन लगा लिए, आपको वही चीजें सुन रहे, वही श्रुति, वही ग्राम, वही मूर्छना, वही जो है कि गमक, वही पंचदश गमक आप सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 4 घंटे किताब पढ़ रहे हो, बाकी समय आप हेडफोन लगा लो, 2-3 घंटे आप वीडियोस देखिए, सुनिए उसको, और क्लियर हो जाएगा आपका, क्लियर। तो जितना भी हो सकता है उतने तरीके अपनाइए पढ़ने का। अगर कम समय है, कम ज्यादा समय आप नहीं दे पा रहे, तो वीडियो देखिए। बढ़िया, अच्छी बात है। करंट अफेयर्स तो मैं डेली खाना खाते हुए देख लेता हूं, बस उतना ही जरूरी है अमित। अगर आपके पास समय कम है, आप कुछ कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स ऐसे देखिए, या कुछ काम कर रहे हो तो करंट अफेयर्स लगा दो, या मैथ्स लगा दो, या हिस्ट्री लगा दो किसी का यूट्यूब पर, उसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो इससे आप, आपका ध्यान भी उधर रहेगा और आप उसको, आप अपना काम भी करोगे, काम करते करते वो चीज आप कंप्लीट भी कर लोगे, आपका वो पूरा प्रोसेस होता जाएगा, प्लस आप म्यूजिक अपना पढ़ते रहिए, म्यूजिक पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, जिससे सभी लोग जो है कि समझ सके कि कैसे उनको तैयारी अपनी करनी है, कम से कम कितने घंटे हम पढ़ें। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम 6-8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, अधिकतम 8 घंटे आप जरूर स्टडी कीजिए, और उन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस कीजिए जो टॉपिक आपका कमजोर है,
और एक घंटे दो घंटे कम से कम आपका रिवीजन होना चाहिए, ढाई घंटे आपका जो है जिस वीडियो जिस टॉपिक पर आपका कम है उसको आप पढ़िए, एक घंटे आप प्रीवियस या कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाइए जिससे आपका प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस सेट आप ऐसे कीजिएगा, मार्केट में ओएमआर सीट आता है, ओएमआर सीट लेके ठीक है, आप ओएमआर सीट मार्केट में आता है उसको लीजिए और क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए, ओएमआर सीट पे गोला भी करिए, इससे आपको गोला भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आप जो है गलती फिर आपको कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ओएमआर सीट आ रहे हैं, ओएमआर सीट जो है ठीक है। तो आगे जो है कि पोल हम कराएंगे, अभी आज रहने दो, पोल वोल आज रहने दो, ठीक है, क्लियर है। तो अब कौन कौन भाई अपना ड्यूरेशन बढ़ाएगा और आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए आप लोगों का, जितने भी TRE2 वाले हैं, अमित, अंजलि जो एस्टेट दे रहे हैं अभी उनको छोड़ दीजिए, और भी जो बीपीएससी के हैं, वंदना, सीमा, आप सभी लोगों का मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है, किसी भी कीमत पे आप लोगों का मुझे सिलेक्शन चाहिए इस बार 100% होगा कि नहीं होगा। अमित, अंजलि बोलिए, सीमा, विनोद, नेहा, रंजीत, होगा ना। और जो एस्टेट दे रहे हैं, एस्टेट दोनों क्लियर होना चाहिए, चित्रंजन, विनोद, सबका होना चाहिए इस बार एस्टेट, जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं सबका एस्टेट होना चाहिए, और जो TRE2 वाले हैं जिनका नहीं हुआ था इस बार सबका होना चाहिए, जी जान लगा दीजिए, ठीक है, जी जान लगा दीजिए, कुछ भी हो जाए एक महीना दिन रात एक कर दीजिए आप लोग, और आपके साथ मैं हूं, आपके साथ साथ मैं हूं, हमेशा आपके लिए तैयार हूं अभी, ठीक है। तो लग जाइए मिशन बीपीएससी TRE 3.0 और जो एस्टेट के हैं मिशन एस्टेट 2024, खाली नहीं जाना चाहिए किसी का। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग हैं उनको मैं क्लियर होने पर मैं अपने तरफ से मिठाई खिलाऊं, ठीक है। सप्लीमेंट्री बिल्कुल भूल जाइए कि सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री हमें नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सप्लीमेंट्री, हमें जो है कि कगार पे आके खड़े होने की नौबत नहीं आनी चाहिए इस बार, हमें अपना लक्ष्य से ज्यादा मार्क्स लाने हैं जिससे इस बार हम अपनी जो हमारी सीट है वो हम पुख्ता कर सके कि इस बार हमको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो बुलंद हौसले के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन और अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए और कूदिए जंग में, मत सोइए रात को भाई, दिन को सोइए, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े आप कीजिए, लेकिन अगर एक महीने आप नहीं सोएंगे, अगर आप एक महीने अगर आप समय नहीं निकाल पाएंगे तो शायद वो आपको जिंदगी भर जो है कि वो आपको कोसता रहेगा। जो DOB से बाहर गए, जो एक नंबर से बाहर गए, जो दो तीन नंबर से बाहर गए हैं, पूछिए उनसे, ठीक है, पूछिए उनसे क्या गुजरी है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए इस बार, ये कतई नहीं होना चाहिए कि हमें कोई ये नहीं सुनने का मिले, सर DOB से मैं रह गया, सर एक नंबर से रह गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मंजिल हासिल करना है, ठीक है, और किसी को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी तैयारी एक महीने के लिए विधिवत और बेहतर कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को पार्टी दूं, बस यही कहूंगा और यहीं पे मैं इस क्लास को खत्म करता हूं। उम्मीद यही करूंगा और आप लोगों का प्रयास है कि
आप लोगों का सिलेक्शन 100% इस बार होगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद और यही दुआ भी ऊपर वाले से करूंगा कि सबका सिलेक्शन हो और सब कमाओ और सब अपने घर का नाम रोशन करो और हम आप लोगों को पार्टी दें, बुलाएं और आप लोगों को पार्टी दें, जबरदस्त बेहतरीन पार्टी आप लोगों के लिए मैं ऑर्गेनाइज करूं फिर। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक समाप्त करता हूं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, जो भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे होंगे देखेंगे उनके लिए भी ये है कि वो लोग भी इस जंग में जो टीआरई थर्ड में कूद रहे हैं वो सभी लोग अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दीजिए और कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़िए, यही मैं कहूंगा, और सभी लोग सिलेक्शन होइए, सेलेक्ट होइए, जिससे हम आप सभी को बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं आप लोगों के सिलेक्शन पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बना लीजिए ग्रुप, मैं बना देता हूं ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं एप्लीकेशन पर जो है कि भेज देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।